मुंबई वालों के लिए मूसलाधार बारिश के साथ आई सोमवार की सुबह, शहर पानी पानी। रात भर होती रही बरसात, कई इलाकों में भर चुका है पानी। पानी भरने के बाद अंधेरी सबवे को किया गया बंद, गाड़ियों के गुजरने में था खतरा। लगातार पंप से निकाला जा रहा है पानी, बीएमसी के कर्मचारी और पुलिस मौजूद। कोला सोसाइटी रोड नदी में तब्दील, दूर दूर तक सड़कों पर दिखाई दे रहा है सिर्फ पानी ही पानी। कई जगहों पर पानी में फंस गई गाड़ियां, धक्का देकर जाते दिखे लोग। सायन इलाके में भरा पानी, मुंबई पुलिस की भी गाड़ी फंसी। मुंबई के चेंबूर में पोसल कॉलोनी में जग रहे लोगों के घरों में घुस गया है पानी। दादर और हिंदमाता इलाके में भी भरा पानी, मिलन सबवे भी पानी में डूबा। मौसम विभाग का अनुमान, मुंबई और आसपास के इलाकों में आज जारी रहेगी बरसात। गुजरात के वलसाड में नदी के ऊपर बन रहे पुल का ढांचा टूटा, भारी बारिश के बाद हादसा। पिछले दो दिनों में 9 इंच से ज्यादा बरसात, पुल टूटने से कई गांवों का टूटा संपर्क। मध्य प्रदेश के नीमच में बारिश के दौरान पुलिया पर भरा पानी, बह गए दो बाइक सवार, लोगों ने मिलकर बचाया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पुल से गुजर रही बैलगाड़ी पानी में बह गई, किसान का रेस्क्यू, लेकिन बह गए दो बैल। महाराष्ट्र के अकोला में भी बारिश बनी आफत, बह गए हाईवे पर बना हुआ पुल। महाराष्ट्र के पालघर में भी मूसलाधार बारिश, शहर में कई जगहों पर जमा पानी। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश के बाद अस्पताल के इमरजेंसी में घुसा पानी, मरीजों की मुश्किल बढ़ी। रायसेन में भारी बारिश से नदियां उफान पर, सड़कें टूटी। इंदौर में तेज हवा के साथ मानसून की भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। मध्य प्रदेश के दमोह में आंधी और बारिश से तबाही, उड़ गई कॉलेज कैंपस की छत। मध्य प्रदेश के देवास में भारी बारिश के बाद उफंदी नदी ने रोका रास्ता, जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं रास्ता। आज से शुरू हो गई अमरनाथ यात्रा, पहला जत्था करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। जम्मू से रवाना हुए पहले जत्थे का पूरे रास्ते में स्वागत, बेस कैंप में श्रद्धालु के लिए पूरी व्यवस्था। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए इस बार 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पूरे रास्ते की ड्रोन से निगरानी, 40,000 जवानों की तैनाती। 15 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। आज राज्यसभा में पेश होगा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव, लोकसभा में मिल चुकी है मंजूरी। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल भी लोकसभा में हो चुका है पास, विपक्ष की शर्त, जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास होने पर ही मंजूरी। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर मान मनोबल जारी, आज कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा का आज पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन, राहुल गांधी के लिए समर्थन का इजहार। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का अस्तित्व मुश्किल। पूरे से बातचीत करने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा गृहमंत्री अमित शाह लेंगे अंतिम फैसला। एनसी और पीडीपी पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का संसदीय आरोप, आतंकवाद को खत्म नहीं करना चाहती पार्टियां। गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना पार्टी पदाधिकारी के साथ की बैठक, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी नहीं देगी जीते सांसदों के बेटे बेटियों रिश्तेदारों को टिकट। विधानसभा उपचुनाव के लिए मायावती ने कसी कमर, 2 जुलाई से करेंगी हर मंडल के साथ अलग बैठक। पश्चिम बंगाल में सियासी उथल पुथल जारी, कार्यकर्ताओं के साथ 4 टीएमसी पार्षद बीजेपी में शामिल। उत्तर 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, बीजेपी की रैली के दौरान हिंसा। टीएमसी का आरोप, रैली में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर पर की पत्थरबाजी। उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा में धरने पर बैठी बीजेपी नेता पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। उदयपुर में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को दिखाए गए काले झंडे, पूर्व विधायक रणधीर सिंह के समर्थकों ने किया विरोध। जेल से रिहाई के बाद नए विवाद में घिरे आकाश विजयवर्गीय, समर्थकों पर हवाई फायरिंग को लेकर केस दर्ज। आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने की खुशी में बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे थे जश्न, इसी दौरान 4 से 5 राउंड हवाई फायरिंग। आकाश विजयवर्गीय पर अवैध कब्जा हटाने नगर निगम के कर्मचारी को बैट से पीटने का आरोप। जेल से निकलने के बाद कहा, अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा के खिलाफ केस दर्ज, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। औरंगाबाद में कुछ लोगों ने स्टेशन से मिटाया नाम, संभाजीनगर की पर्ची लगाकर फरार। यूपी के मुरादाबाद में सीएम के दौरे के वक्त पत्रकारों के साथ बदसलूकी, धक्का देने का भी वीडियो आया सामने। सीएम योगी के सामने ही डीएम ने पत्रकारों को रोका, एक एक कर इमरजेंसी कक्ष में किया कैद। सीएम के आईसीयू में रहने तक दरवाजा पीटते रहे पत्रकार, प्रशासन ने नहीं दिया बाहर निकलने का आदेश। पत्रकारों को रोकने की घटना पर विवाद बढ़ने के बाद मुरादाबाद के डीएम की सफाई, मीडिया वालों को इमरजेंसी में रोका गया था, बंद नहीं किया गया था।
मुरादाबाद में पत्रकारों को रोके जाने को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने कहा विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। मुरादाबाद घटना पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, पत्रकार बंधक बनाए जा रहे हैं, सवालों पर पर्दा डाला जा रहा है। एसपी नेता आजम खान ने कहा संसद में पहले दिन पहुंचे तो लगा किसी नौटंकी में आ गए हो। मेरठ में मॉब लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने बिना इजाजत जुलूस निकालने की वजह से किया लाठीचार्ज। बिजनौर में पुलिस की कथित पिटाई में मारे गए विजेंद्र सिंह के परिवार से मिले भीम आर्मी के अध्यक्ष, जाति पूछने को लेकर जताया सख्त विरोध। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी ने एक शख्स पर चलाई गोली, हमले में जख्मी समीर अहमद की हालत गंभीर। पंजाब के फरीदकोट में पकड़ा गया फौज की गुप्त जानकारी पाकिस्तान को भेजने वाला जासूस, 5 जुलाई तक पुलिस हिरासत में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टरों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने वाला एसडीएम का तबादला, जांच के लिए समिति गठित। सूरत में हीरा कारोबारी की हत्या का केस सुलझा, हीरे के लालच में 2 हीरा कारोबारियों ने ली थी जान, नहीं मिले थे हीरे। नोएडा में स्पा सेंटर पर छापामारी, 12 महिलाओं और 6 पुरुषों को पुलिस ने लिया हिरासत में। दिल्ली में लूटपाट की लगातार 3 घटनाओं से हड़कंप, उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत दी। रामपुर में हाथियों का आतंक, हमले में 1 की मौत, 1 घायल। यूपी के आगरा में स्कूल का किराया मांगने गए प्रिंसिपल और स्कूल संचालक की हत्या, स्कूल के परिसर में ही शवों को दफनाया। दिल्ली के नरेला में जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग, 15 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के सुपौल में नाबालिग के साथ दरिंदगी, 3 आरोपी फरार। बिहार के सुपौल में मामूली विवाद पर पंचों के आदेश से पेड़ से बांधकर एक शख्स की पिटाई, सामने रोते रहे उसके बच्चे। बिहार के गया में दबंगों ने साइबर कैफे चलाने वाली महिला और 2 बेटियों को पीटा, दुकान बंद करने की धमकी। अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता और कारोबारी की हत्या, लूटपाट के बाद गोली मारकर भागे बदमाश। नोएडा में 3 तलाक को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज, घरेलू झगड़े में पति ने दिया 3 तलाक। अमृतसर में एक परिवार पर 15 से 20 लोगों ने किया हमला, सड़क पर दौड़ाकर पीटा। उत्तरकाशी में गांव वाले खुद सड़क बनाने में जुटे, धरना जुलूस प्रदर्शन के माध्यम से कई बार कर चुके थे मांग। असम के मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा ने गुवाहाटी के राइडिंग और पोलो क्लब का किया उद्घाटन, पहली बार की घुड़सवारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2000 बंकरों का निर्माण, सरहद पार से फायरिंग के दौरान सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर लगातार जारी, दिल्ली सरकार ने 8वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई, 8 जुलाई को खुलेगा स्कूल। हरियाणा में भी 8 जुलाई को खुलेंगे स्कूल, गाजियाबाद में 3 दिन के लिए बढ़ी छुट्टियां। वर्ल्ड कप में रुका टीम इंडिया का विजय रथ, इंग्लैंड ने बर्मिंघम में 31 रन से जीता मैच। इंग्लैंड ने दिया था 338 का लक्ष्य, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। जीत के बाद इंग्लैंड के कुल 8 मैच में 10 अंक, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी मैच में न्यूजीलैंड से जीत भी जरूरी। बेकार गया रोहित शर्मा का शतक, 102 रन बनाकर आउट, नहीं काम आया कोहली का भी अर्धशतक, 42 रन पर नाबाद रहे धोनी। टीम इंडिया की ओर से शमी ने 5 इंग्लिश बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन, बुमराह के खाते में 1 विकेट। नहीं चला टीम इंडिया के स्पिन का जादू, कुलदीप और चहल ने 20 ओवर में दिए 160 रन। इंग्लैंड की जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, 109 गेंद पर बनाए 111 रन। बेयरस्टो ने खेली धमाकेदार पारी, 3 छक्के के साथ 54 गेंद में बनाए 89 रन। जेसन रॉय के बल्ले ने भी बरसाया अर्धशतक, 57 गेंदों पर 66 रन की पारी। दंगल गर्ल जारा वसीम ने छोड़ी अभिनय की दुनिया, फेसबुक पोस्ट पर किया जिक्र, टूर ले जा रहा था। जारा इस वक्त द स्काई इज पिंक फिल्म में कर रही थी काम, अचानक फिल्म छोड़कर मुंबई से कश्मीर चली गई। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जारा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, लिखा जारा को अपनी जिंदगी का फैसला लेने का पूरा हक, उस पर सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं। उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, किम जोंग उन से की मुलाकात। प्योंगयांग पहुंचकर ट्रंप ने कहा ये एक महान क्षण है और यहां आना मेरे लिए सम्मान की बात है। इटली की तरफ से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए विस्थापित, एक नाव पर सवार थे 40 लोग। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।